नमस्कार, मैं लोकेश मकवाना। बात करते हैं आज के ताजा समाचारों में। सबसे पहले झलावाड़ से बकानी की खबर। झलावाड़ जिले के बकानी थाना क्षेत्र में 10 स्थानों के स्थान पर प्राप्त करते हुए 7वें स्थान पर किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में 15,579 थानों के क्राइम डाटा का अध्ययन किया, आधार और वीरता पर सूची तैयार की, जिसमें राजस्थान का एकमात्र थाना बकानी ने 7वां स्थान प्राप्त किया। थाना प्रभारी बलवीर सिंह और उनकी बकानी थाने की पूरी टीम आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, जो पुलिस का संदेश है, उस पर खरी उतरी। गृह मंत्रालय की टीम ने थाना क्षेत्र की आम जनता के बीच जाकर गोपनीयता से जानकारी लेकर बकानी के देश में 7वें स्थान पर थाने को अव्वल नंबर दिया। थाना प्रभारी द्वारा किए गए कार्य की भी आमजन में सराहना करते हुए कामना की। माननीय श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान राममूर्ति जोशी साहब, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान राजेश यादव साहब व श्रीमान वृत्ताधिकारी महोदय श्री अर्जुन सिंह शेखावत साहब द्वारा जो नेतृत्व किया है, उन नेतृत्व के करते हुए पुलिस थाना बकानी के द्वारा आम जन में विश्वास व अपराधियों में भय को मद्देनजर रखते हुए कार्य किया है तथा पुलिस रेस्पॉन्स टाइम में पुलिस द्वारा। झलावाड़ जिले में एक ऐसा मंदिर जहां माता की प्रतिमा घूंघट में मौजूद है। जी हां, ये आश्चर्य ही नहीं बल्कि बड़े हैरत अंगेज की जिले की डक की पंचायत समिति के धतूरिया गांव स्थित गोरा माता मंदिर, जिसमें माता की प्रतिमा घूंघट में रखी जाती है। करीब 450 साल पुराना इस मंदिर में बरसों से अखंड ज्योति जल रही है, जैसे कि प्रति ग्रामीण सहित कई अन्य लोग इसकी श्रद्धा का लाभ उठा रहे हैं। रायपुर क्षेत्र में इन दिनों किसानों की रबी फसल के लिए यूरिया खाद की सख्त दरकरार है। ऐसे में खाद की किल्लत के चलते किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे किसान को खाद आने की सूचना मिलती है तो वो अपने काम धाम छोड़कर कतार में लग जाता है और आज ही कस्बे में क्रय विक्रय केंद्र पर 400 बैग यूरिया आया था, जिसकी सूचना मिलते ही वहाँ किसानों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने अधिकांश महिलाएं भी शामिल थी, जिन्हें एक बैग खाद पाने के लिए कड़ी परेशानी का सामना करते हुए कई घंटों तक लाइन में कतार में लगना पड़ा। क्रय विक्रय केंद्र सचिव भूक किशोर ने बताया कि केंद्र पर 400 बैग यूरिया खाद आया था, जिससे प्रत्येक किसान पर आधार कार्ड पर 266 रुपये आरती बैग के हिसाब से एक एक खाद बैग की वितरित किए जाते हैं। खबर 24 की सारी खबरें को हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, आपको हम उन कार्यक्रम का भी दिखाने का प्रयास करते हैं जो आपकी आपके अंगों से जुड़ा होता है, आपकी कहानी से जुड़ा होता है। बात हम करते हैं प्रेरणा की, बात हम करते हैं खबर 24 के भक्ति सागर की, हम बात करते हैं रंगीलो राजस्थान की, और जो देश के अंदर घटित घटना घट रही है उसको लेकर बात करते हैं स्पेशल बुलेटिन की। तो लगातार खबर 24 चार वर्षों से आपके बीच है, ऐसी प्यार दुलार खबर 24 को देते रहें। नमस्कार।
प्रियजनों की स्मृति में श्रीमद् संगीत भागवत कथा का होने जा रहा है आयोजन। दिनांक 12 से 18 दिसंबर तक होगा भागवत कथा का आयोजन। स्थान राधे कृष्ण मैरिज गार्डन भवानी मंडी। समय दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक। कथावाचक सुश्री मुरलिका जी मान मंदिर बरसाना वाली। राष्ट्रीय संत परम पूज्य श्री नरसिंह दास जी महाराज द्वारा भजन संध्या का भी होगा आयोजन। अधिक से अधिक संख्या में पधार कर भागवत कथा का लें लाभ। आयोजक भागवत प्रेमी परिवार भवानी मंडी।